पिक्स दश का जोल रानी के जीजा लगते हैं आशुतोष गोवारिकर। जानिए उनके अनसुने किस्से। मशहूर फिल्म मेकर आशुतोष गोवारिकर 56 साल के हो गए हैं। आशुतोष का जन्म 15 फरवरी 1964 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था। उनके पिता अशोक गोवारिकर पुलिस अफसर थे और माँ किशोरी गोवारिकर हाउसवाइफ। गोवारिकर ने मुंबई के मीठीबाई कॉलेज से केमिस्ट्री में बीएससी की डिग्री ली। आशुतोष गोवारिकर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के एक जाने माने डायरेक्टर हैं। वो इंडस्ट्री के उन चंद डायरेक्टर्स में शामिल हैं जो इतिहास पर फिल्म बनाना पसंद करते हैं। इसकी बानगी आपको लगान, जोधा अकबर, मोहन जोदड़ो जैसी फिल्मों में देखने को मिली होगी। लगान, जोधा अकबर और स्वदेश जैसी उम्दा फिल्में उनके खाते में दर्ज हैं। हाल ही में उन्होंने पानीपत फिल्म बनाई थी, ये फिल्म उतनी हिट नहीं रही। उनके निजी जीवन की बात करें तो उन्होंने सुनीता मुखर्जी से शादी की। सुनीता मॉडल रही हैं। उन्होंने कई विज्ञापनों में काम किया था। सुनीता एक्टर देबू मुखर्जी की बेटी हैं। अयान मुखर्जी सुनीता के सौतेले भाई लगते हैं। देबू मुखर्जी की पहली पत्नी मनीषा उनकी माँ है। सुनीता काजोल और रानी मुखर्जी की कजिन सिस्टर हैं। मुखर्जी परिवार के दुर्गा पूजा में सुनीता हर साल शामिल होती हैं। सुनीता और आशुतोष के दो बेटे हैं। उनके बेटों के नाम कुनाक गोवारिकर और विश्वांग गोवारिकर हैं। आशुतोष गोवारिकर में बॉलीवुड में शुरुआत बतौर एक्टर की थी। पहला मौका उन्हें केतन मेहता की फिल्म होली में मिला था। 1984 होली फिल्म रिलीज हुई थी डंडा। इस फिल्म में आमिर खान ने भी लीड रोल किया था। आशुतोष ने नाम, गूंज, चमत्कार, इंद्रजीत और सलीम लंगड़े पर मकरो जैसी फिल्मों में काम किया। आशुतोष ने फिल्म इंडस्ट्री में लंबा समय बिताया है। लगान फिल्म के लिए उनकी बहुत सराहना हुई। साल 2004 में उन्होंने शाहरुख खान के साथ स्वदेश जैसी फिल्म बनाई। साल 2008 में आई जोधा अकबर ने भी कामयाबी की नई कहानी लिखी। आशुतोष ने मोहनजोदाड़ो, खेले हम जी जान से, व्हाट्स योर राशि समेत कई और फिल्मों का निर्देशन किया है।